नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 14 परिमाप एवं क्षेत्रफल इसके प्रश्न हल करेंगे। तो अपने कक्षा 4 में भी परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है, देखिए कि चारों ओर का माप, यानी किसी भी आकृति का अपने को अगर परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, अपनी सभी भुजाओं की जो माप है उन सबको योग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जैसे इसका पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन प्रश्न हैं। पहला देखिए, एक आकृति दे रखी है, अब इसकी भुजाएं हमें दे रखी है 7 सेमी, 10 सेमी, सभी भुजाएं देखिए दे रखी है। अपने को इसका परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो जैसे ए भाग है इसका, तो भुजाएं देखिए जैसे ये है 7 सेमी, तो लिखेंगे कि आकृति अ का परिमाप बराबर, तो अब इसमें भुजाओं को देखिए, जैसे सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ 7 सेमी प्लस इसके आगे वाली कितनी है 10 सेमी प्लस उससे अगली ये है 7 सेमी प्लस उसके आगे फिर ये 10 सेमी फिर प्लस ये 8 सेमी प्लस 7 सेमी प्लस उससे आगे फिर ये भुजा भी देखिए कितनी है 7 सेमी है, तो इसका नाप लिख देंगे 7 सेमी प्लस उससे आगे वाली ये भुजा देखिए कितनी है 9 सेमी है, तो लिखेंगे 9 सेमी और प्लस उससे अगली भुजा ये देखिए अपने पहले लिख चुके थे कितनी है, इसमें गिन लीजिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं, तो देखिए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इन सबको जोड़ देंगे। तो पहले देखिए जैसे 7 7 को जोड़ लेते हैं, 7 और 7 14, इसको भी एक बार 7 7 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42, अब इसमें देखिए 9 है तो 43 44, ये हो जाएगा 1 और 45, 45 में ये 10 सेमी जुड़ेंगे तो 55, 55 में 10 जुड़ेंगे तो 65 सेमी, यानी सभी भुजाओं को जब अपने जोड़ेंगे तो इसका कितना है 65 सेमी, तो इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 65 सेमी। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, इसका भी परिमाप ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो जैसे लिखेंगे कि आकृति ब का परिमाप बराबर, तो अब इसमें देखिए ये है 10 सेमी प्लस उससे अगली भुजा ये है 5 सेमी प्लस उससे अगली भुजा ये 4 सेमी प्लस उससे आगे फिर 5 सेमी प्लस उससे अगली भुजा ये भी 5 सेमी प्लस ये 4 सेमी प्लस ये आगे 5 सेमी। तो सभी को जोड़ देंगे, देखिए 10 और 5 15 15 और 4 19, 19 में 5 जुड़ेंगे तो 24, 24 में 5 जुड़ेंगे तो 29, 29 में 1 और मिला दीजिए 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38 सेमी। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न होगा, परिमाप ज्ञात करना है तो सभी भुजाओं का जोड़ कर देंगे, ये आप स्वयं हल करेंगे। आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित माप की आयताकार आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। चार सवाल हैं, चारों को हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखिए आयताकार आकृतियों के बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आयत क्या होता है, एक चतुर्भुज ही होता है, पर इसकी खास पहचान क्या होती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये चित्र है, ये आयत का है, तो अब इसमें ये भुजा जितनी लंबी है उतनी ही इसकी माप होगी, यानी ये
आमने सामने वाली भुजाएं। तो जितनी लंबाई की ये है उतनी लंबाई की ये होगी, और जितनी लंबाई की ये भुजा है उतनी लंबाई की ये भुजा होगी। यानी आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, समान नाप की होती हैं। अब देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, लंबाई दे रखी है हमें 30 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 48 सेमी। तो जैसे ये इसकी लंबाई 30 सेमी मान लेते हैं और ये 48 सेमी। तो इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप में हम जानते हैं कि इसकी सारी भुजाओं का क्या करेंगे, योग करेंगे परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो ये भी 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 48 है तो ये भी 48 होगी। तो अपने इसका जब सूत्र द्वारा इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, यानी लंबाई भी 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई भी 2 बार। तो सूत्र के रूप में अपने लिख सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़कर उसका क्या कर सकते हैं, अपने दुगना कर दें। यही बात हुई, लंबाई भी 2 बार और चौड़ाई भी 2 बार जोड़ करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को जो योग है उसका क्या कर दें, दुगना कर दें, तो वो इसका परिमाप हो जाएगा। तो जो आयताकार आकृतियां हैं उनका परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जैसे पहला प्रश्न है इसका, लंबाई दे रखी है हमें 30 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 48 सेमी। तो अपने ये सूत्र लगाएंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और ये ब्रैकेट, अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गुणाएँ माना जाता है। तो ये लंबाई की जगह अपने 30 प्लस चौड़ाई की जगह 48। अब फिर से देखिए, इन दोनों को जोड़ दें, 30 और 48 कितने हो जाएंगे, 40 और 30 70 और 8 है 78। अब देखिए, 2 गुणा 78, 78 को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 8 16 हासिल 1, फिर 2 7 14 और 1 15 कितना हो जाएगा, 156 सेमी इसका परिमाप आ जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न और देखिए, जैसे इसका सह है, लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, इसका परिमाप निकालना है और आकृति कैसी है, आयताकार है। तो लिखेंगे कि आयताकार आकृति का परिमाप, आयताकार आकृति का परिमाप, और इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 और लंबाई अपने को देखिए कितनी दे रखी है, 60 सेमी, तो लंबाई की जगह लिख देंगे 60 और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 सेमी, तो चौड़ाई की जगह लिख देंगे 20। अब क्या करना है, 60 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 20 80, और फिर 2 गुणा 80, 80 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16 और पीछे ये 0 ऐसे, तो कितना आ जाएगा, 160 सेमी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा ये ब और द भाग है, बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो आपको ये सूत्र लगाना है और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो वहाँ पर लिख कर फिर जोड़ करके और फिर गुणा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।